गेम सर कैसा रहेगा अगर हम स्काईलाइट से बात करें और उन्हें इनवाइट करें इंटरव्यू के लिए? बिल्कुल, आपने नाम लिया है तो बिल्कुल उनके पास ही हम चलेंगे सीधा इंटरव्यू के लिए ही। ओके सो गाइस, ओवर टू स्काईलाइट्स, वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट, जैसा कि हम हमेशा से बोलते आए हैं, गमला बॉय तू शाइन करेगा। गमला बॉय का गमला बॉय तू हमेशा शाइन करेगा, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ। सबसे पहले सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहूंगा कि सारे खिलाड़ी जो यहाँ पर मौजूद है, रौनक, गमला बॉय, पुकार और सौम्यराज, कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया ब्रो। ओके सो अभी इस टूर्नामेंट से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, कुछ फन सेगमेंट भी करेंगे यहाँ पर, आपको पता माया भी आया तो आपके साथ पूरा हंसी मजाक यहाँ पर चलने वाला है। बट कहीं ना कहीं स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 3.0 एक प्लेटफॉर्म आपकी नजर में कैसा है? इस टूर्नामेंट के बारे में आप कुछ बताएं कि एज अ प्लेयर कैसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है? बताओ भाई। बताओ। Now, starting from Ronak only, huh? Because we have the most experience out there. So yeah, starting from Ronak. Yeah, so Sky Sports का जब पहले सुनने में आया था ऐसा कि टूर्नामेंट होस्ट हो रहा है ऐसा ये वो, तो पहले आया मतलब ऐसा लगा कि चलो भाई एक बड़ा मेजर इवेंट है बिकॉज इसका प्राइस पूल बहुत अच्छा है और टीम्स भी इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी खेलेंगी। सो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि फर्स्ट एक ऐसा अच्छा इवेंट हो रहा है उसमें खेलना और अपनी इम्प्रूव करना, एंड बाकी सब तो ये लोग अभी नए हैं और मैं भी कहीं ना कहीं गायब हो चुका था। इट्स अ गुड टाइम टू साइन अगेन। बिल्कुल, आप लोग शाइन कर रहे हो, आज के आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी है ये दिखाने के लिए कि आप लोग कितना हार्डवर्क यहाँ पर कर रहे हो। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा यहाँ पर इनके आईजीएल सौम्यराज से। तो सौम्यराज, आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहा है, मतलब आखिरी जो आपका मीरामार का मैच था जिसमें हमने देखा था कि पूरे तरीके से सर्कल आपने अपने कब्जे में ले लिया था, तो क्या ऐसा मेटा है आपके पास जो सर्कल आप इतना अच्छा प्रेडिक्ट कर लेते हो? और मतलब आज के बैक टू बैक चिकन डिनर्स का राज क्या है, क्या क्या माइंडसेट था आज के दिन के लिए? बस मैं अपने टीममेट भी पहले ही दोनों बता देता हूँ कि यहाँ फाइनल जोन बन सकता है, तो उसके क्लोजियम रहते हैं तो वो प्रेडिक्शन मोस्टली सही रहता है। अभी आज के दिन तो सही रहता है। ओके सो ओके सो कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन यहाँ पर पहले ही दे देते हैं सर्कल में कि इस जगह फाइनल जोन बन सकता है और वो एरिया यू नो ऑक्यूपाई कर टीम स्काईलाइट्स हमें मिलती है। सो पुकार, गमला बॉय, आप लोग फ्रंटलाइन कमांड अपनी टीम के लिए होल्ड करते हो, अच्छी स्नाइपिंग हम रौनक को करते हुए देख पा रहा है, आइजलिंग सौम्यराज की अच्छी चल रही है। सो इस टीम में कलेक्टिवली और कितने लोगों का एफर्ट है? क्या हमारे पास कुछ और लोग भी हैं इस टीम में जो मास्टरमाइंड का रोल अदा करते हैं, या फिर इट्स ऑल रौनक और सौम्यराज जो यहाँ पर सारी रोटेशन एंड प्लानिंग्स एंड मेटास प्लान करते हैं? नहीं, हमारा एक दोस्त है जाइपिक्स, वो हमारे गेम को एनालाइज करता है, वो सारे स्ट्रीम को देखता है, फिर हमें बताता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, और बाकी हम और पुकार भी एनालाइज करते हैं कि कहाँ आप जाके किस टाइप ओके सो हमारे साथ हमारे मैनेजर आ जाओ भाई, अपनी शक्ल दिखा दो। बिल्कुल, तो ये भी अगर टीम का डाउन रहता है तो हमें हेल्प करते हैं, हमारे मैनेजर है शिफ्टर एके प्रांजल। ओके, तो शिफ्टर को हमने कई बार खेलते हुए भी देखा है, और जाइपेक्स को तो खैर हम सब जानते ही हैं, जाइपेक्स एक बहुत बढ़िया एनालिस्ट जो काफ़ी लंबे समय से पुकार और सौम्यराज के साथ है, और आज सभी का हार्डवर्क हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई थिंक जब गेम नहीं था तो बहुत कम टीम्स उतना सीरियसली ग्राइंड कर रही थी, आई थिंक ये खिलाड़ी थे जिन्होंने ग्राइंड किया था। रौनक का सपोर्ट यहाँ पर इनके साथ रहा, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर उनके काम में आ रहा है, और आज स्काईलाइट्स की टीम हर जगह शाइन करती हुई मिल रही है। तो इतना सीरियस नहीं लेते यहाँ पर रौनक इस इंटरव्यू को, थोड़ा सा फन सेगमेंट यहाँ हम शुरू करने वाले जिसमें पर्टिकुलरली हर प्लेयर से मैं कुछ दो दो बेसिक क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, और वो थोड़े से ट्रिकी जरूर से रहेंगे, सो बी प्रिपेयर्ड। एंड अभी तक हमने सौम्यराज और यू नो रौनक से बात कर ली, तो आई विल स्टार्ट विद वन ऑफ माय फेवरेट्स, गमला बॉय, जिसे मैं हमेशा बोलता हूं कि तू शाइन करेगा। सो यस गमला बॉय, सबसे पहले आपसे मैं यही पूछना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है इवेंट, और मतलब मजा आ रहा है? टॉप रैंकर लिस्ट में अभी नहीं हो, आपको पता है कि मैं आपसे नाराज हूं, बट कितना टाइम और लगेगा आपको टॉप रैंकर लिस्ट में आने में? अभी तो 3 दिन और बाकी है, तो क्या पता कल या परसों आ जाऊं। मतलब कोशिश है, नजर एम है वहां पर टॉप रैंकर लिस्ट में आने का? यस बिल्कुल। ओके सो आपकी नजर में अगर इस टीम में कोई एक चेंज करना हो, कोई भी एक चेंज रिप्लेस करना हो, नॉट एडिशन, तो वो कौन हो सकता है और उसकी जगह पे कौन आ सकता है? और ये ऑप्शन नहीं है कि मेरी टीम बेस्ट है, एक एक आधा चेंज आपको करना ही करना है, वो मैंडेटरी है, समझ लो कि एक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। मेरा वो गमला वो बताएगा। ओके, तो एडिशन कौन होगा फिर इसकी जगह पे, कौन सा प्लेयर आप रिप्लेस करना चाहेंगे रोडा की जगह? एडिशन तो सोचा नहीं कभी, पर एडिशन आज ही देखा जाएगा कभी हो तो ऐसा। अरे बट तेरे दिमाग में कोई ऐसा रहे कोई प्लेयर?
तो एक नाम उड़ता हुआ मुझे सुनने में आया है, वो नाम था स्काउट का। ओके तो स्टाइलाइट स्काउट यहाँ पर सोच रहे गमला बॉय। सो ओके शिफ्टिंग टू पुकार। पुकार आप बहुत जबरदस्त अपना फ्रंट लाइन कमांड दिखा रहे हो, फिनिश स्पीड में नाम आता है आपका लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ बड़ा दिखता है। मेरे सेगमेंट्स में आपने कई बार सुना होगा कि पुकार के ग्रेनेड की पुकार बहुत लंबी जाती है। सो कैसा है टूर्नामेंट, सब कुछ अच्छा चल रहा है? स्काईलाइट्स आपने बहुत लंबी जर्नी अपनी निभाई है, FS से लेके स्काईलाइट्स तक का सफर कैसा था और आगे के प्लान्स आपके कैसे हैं? टूर्नामेंट तो अच्छा ही चल रहा है, बस हमारा कल का डे थोड़ा चौक हुआ और आज उसको कवर कर लिया हम लोगों ने, और बाकी हमारा जर्नी तो अच्छा ही रहा है सोमराज के साथ स्टार्टिंग से ही, और बाकी अभी भी हम आगे अच्छा ही प्लान कर रहे हैं आगे के लिए कि बेस्ट ही देना है अपना। बिल्कुल। एंड साथ साथ एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे अभी तो आज आपने आपने जैसे बोला, मैं भी यही बोलने वाला था कि कंपनसेट कर दिया आप लोगों ने कल का थोड़ा सा जो बैड परफॉर्मेंस रही थी, आप बोल रहे थे कुछ कहीं कहीं जगह पे चौक करा, लेकिन सवाल मेरा आप यही रहेगा कि कल जब आप उतरेंगे खेलने, मतलब कौन से दिन को आप श्योरिटी मान के चलेंगे कि अब हाँ हम यहाँ पर अब टॉप थ्री आने वाले हैं, कौन से दिन को आप उसके दिन के बाद मतलब सोचना स्टार्ट कर देंगे कि अब यहाँ से आप टॉप थ्री से हम नीचे नहीं जाने वाले? हमारा तो रोज ही ये रहता है कि टॉप थ्री में तो रहना ही है, लेकिन कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता है। मतलब आपने पर्टिकुलर अभी अभी माइंड सेट पे है कि मतलब डे सिक्स के बाद इतना नीचे नहीं जाने वाले, ऐसा कुछ रहेगा माइंड सेट पे अभी? हाँ माइंड सेट तो यही है कि टॉप थ्री से नीचे नहीं जाने कभी भी, अभी देखते हैं कल क्या होगा, आज तो नहीं। वेल अभी अभी तक का तो आपका सफर अच्छा रहा, कंपनसेट आपने आज बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। आई थिंक आज सेगमेंट में भी ये चीज बोली गई थी कि पहली ऐसी टीम है जो स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 3.0 में हैट्रिक लेकर जाती है। दो दिन से हमारे साथ ऐसा चल रहा था कि टीम्स दो दो चिकन लेकर जा रही है, बट वो हैट्रिक नहीं हो पा रही है और आपने पांचवें मैच में ही हैट्रिक यहाँ पर ले लिया। सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। बट अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं अपना रैपिड फायर सेगमेंट, जो कि रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि प्लीज मेक इट रैपिड एंड जितना फायर आप उसमें डाल सके वो और इंटरेस्टिंग बनाएगा इस इंटरव्यू को। तो मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा रौनक लग रहे हैं, तो रौनक डाल सकते हैं वो इंटरव्यू में हमारे, तो रौनक से ही मैं शुरू करने वाला हूँ। इट्स गोना बी वेरी ट्रिकी रौनक, सो बस होना चाहिए, कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ मैं। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। ओके सो ये अच्छी वार्निंग थी मेरे लिए, बट थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अ बेसिक क्वेश्चन कि अगर स्काईलाइट्स नहीं मिलती तो इसके अलावा कौन सी टीम में जाने का प्लान था? स्काईलाइट्स नहीं मिलती तो यू गॉट टू बी क्विक मैन, यू गॉट टू बी क्विक। फैनाटिक फैनाटिक में भी वापस से वापस से फैनाटिक वापस आने। ओके तो स्पॉयलर्स ऑफ व्हाट, यहाँ पर स्पॉयलर्स मिलते हुए आपको गाइस। ओके सो अभी यहाँ पर आपकी टीम में तीन खिलाड़ी हैं, एक और खिलाड़ी की जरूरत पांच टीम्स के यू नो पांच प्लेयर्स के साथ टीम्स को यू नो हमने कई बार देखा है, एक और खिलाड़ी आप लोग अगर लेकर जाना चाहें अपने साथ बड़े टूर्नामेंट्स में आगे ऑफिशियल इवेंट्स में, तो वो कौन सा खिलाड़ी होने वाला है? ओके तो ये भी एक कोई स्पॉइलर से कम नहीं है गाइस, ओवेज आपको ज्वाइन करते हुए ओवेज स्काईलाइट्स बन सकते हैं। अभी इस टूर्नामेंट के अंदर आपको कौन लगता है कि आपके जीतने में रुकावट बनकर आ सकता है? तीन टीम्स है, रेवेनेंट, 8bit एंड गॉडलाइक। ये तो पॉइंट्स टेबल की बात हो गई ना, बट कंपटीशन आपको सबसे तगड़ा कौन सा लग रहा है? तीनों ही अच्छा खेल रहे हैं भाई, मेरे लिए ऐसा ही है कि सब टीम्स अच्छा खेलती है और जितनी भी टीम्स सब 18 टीम्स खेल रही है वो सब अच्छा ही खेल रही है, ऐसा नहीं कि एक टूर्नामेंट से कुछ जज नहीं होता, बाकी आने वाले टूर्नामेंट में भी दूसरी टीम जीत सकती है। वेल एग्जैक्टली, जैसे आपने कहा कि एक टूर्नामेंट से जज नहीं होता, तो उसको मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करूंगा कि एक स्टेज से टूर्नामेंट के भी बहुत कुछ जज नहीं होता, तो कौन सी आपकी नजर में ऐसी टीम है सेमीफाइनल में जो शायद फाइनल्स तक क्वालिफाई करना डिजर्व करती थी? ग्लोबल स्पोर्ट्स एंड रेड आउट। ओके तो ग्लोबल स्पोर्ट्स और रेड आउल इनकी नजर में क्वालिफाई कर सकती थी। सो थैंक यू सो मच रौनक, दिस वाज इट विद यू। कमिंग बैक टू गमला बॉय, आई होप आई वाज रियली यू नो डिसेंट विद रौनक, मैंने जो क्वेश्चंस प्लान किए थे वो शायद नहीं रखे। रौनक कहीं ना कहीं इस चीज को पढ़ पा रहे हैं, बट यस गमला बॉय हम यहाँ पर पूछेंगे। गमला बॉय सबसे पहला क्वेश्चन, तेरा फेवरेट कास्टर कौन है गमला बॉय? अगर स्काईलाइट्स नहीं तो कौन सी टीम? बहुत टीम में ट्राई आउट दिए तुमने, हमने देखा है, बट अगर स्काईलाइट्स नहीं मिलती, ये लाइनअप नहीं बनती, तो कौन सी लाइनअप में गमला बॉय खेल सकता था? जिस लाइनअप में मैं पहले था स्काईलाइट से फिनटॉक शायद उसी में खेल रहा था मेरे ख्याल से। ओके आपकी नजर में अगर स्काईलाइट से सौम्यराज को हटा दिया जाता है तो कौन सा आईजीएल आपको स्काईलाइट्स में चाहिए रहेगा? मावी। आईजीएल का नाम आता है तो मावी का नाम सबसे पहले आता है, ये हमने काफी इंटरव्यूज में देख लिया है।
एक और सवाल आखिरी रहेगा आपके लिए कि गमला बॉय को कौन सी ऐसी टीम है जो इस टूर्नामेंट में लगता है कि यहाँ पर हमारे लिए कोई खास कंपटीशन नहीं है, ये कभी भी हमारे सामने 4v4 की फाइट में है और हम इसे हम काफी इजीली डाउन कर सकते हैं, किस टीम के अगेंस्ट में आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है? ऐसा तो कोई भी टीम नहीं है, हम भी हारते हैं जीतते हुए तो इक्वल रेशो तो सबके साथ चलता ही है। नहीं मतलब फिनिश फील्ड में पता चलता है कि अरे ये तो ये टीम है, चलो स्लैम इन कर सकते हैं, इस पे हम थोड़ा सा भारी पड़ सकते हैं। वो तो सिचुएशन के ऊपर रहता है, ऐसा अंडर एस्टिमेट अगर करते हैं ऑब्वियसली हम भी मरेंगे। As expected, गमला बॉय को आपने अग्रेशन के साथ देखा है और सेंस भी यहाँ पर मिलती है देखने के लिए, सो ओवर कमिट नहीं करना, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये कुछ चीजें जो गाइस आप लोग भी इन इंटरव्यू से जरूर से सीख सकते हैं। पुकार की तरफ भी हम यहाँ पर चलेंगे, पुकार की गेम प्ले की तो पुकार बहुत लोगों ने आज सुन ली है और कुछ सवालों के जवाब भी अब आप लोग सुन सकते हैं यहाँ पर। सो पुकार, स्काईलाइट्स नहीं तो कौन सी टीम, जो सवाल हम सबसे पूछ रहे हैं वो आपके सामने भी आएगा। देखो मैं तो वैसे स्काईलाइट्स मतलब इसी टीम में हूँ स्टार्टिंग से, तो चेंज तो मुश्किल था, लेकिन अगर वो ये नहीं रहती तो शायद पता नहीं मेरे को कोई नहीं लेता शायद तो। नहीं ऐसा तो नहीं ऐसा होता पुकार, कोई ना कोई तो जबरदस्त ले ही लेता यार, इतने जबरदस्त आप खिलाड़ी हो। आपका फेवरेट मैप कौन सा है, क्या वही है जो मैं सोच रहा हूँ अभी जो जो चलता आया है उसमें सबसे फेवरेट मैप कौन सा है? इरेंगल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि स्काईलाइट्स का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो मीरामार का मैप है। चलो ये सवाल हम यू नो सौम्यराज से भी पूछेंगे बिकॉज आईजीएल का प्रस्पेक्टिव इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पुकार से एक और सवाल आता है कि भाई गर्लफ्रेंड या बीजीएमआई क्या जरूरी है आपके लिए? अरे भाई बीजीएमआई ऑब्वियसली। अच्छा गर्लफ्रेंड है नहीं या जरूरी नहीं है? फूडी है आप पुकार कहीं ना कहीं। ओके एंड्रॉइड या iOS? एंड्रॉइड या iOS? iOS ओके मतलब एंड्रॉइड में जब गेम था तो सभी का इंतजार चल रहा था iOS में आने के लिए। आपकी नजर में एक ऐसी टीम जो आपके अलावा ये टूर्नामेंट जीत सकती है, जल्दी क्विक 8-bit ओके सो 8-bit यहाँ पे जीतने वाली है। बैक टू सौम्यराज बीइंग द आईजीएल। और सौम्यराज आज मैंने एक बड़ी अच्छी सेगमेंट बोली जो मुझे खुद भी अच्छी लगी और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा अंडररेटेड आईजीएल है जिसने आज सभी के दिलों पर राज कर लिया, आई थिंक इसीलिए इसका नाम भी सौम्यराज है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सौम्यराज भाई, जिस तरीके का आपका ग्राइंड था आई थिंक इस बारे में हम पहले भी काफी बार बात कर चुके हैं कि जितनी भी मेहनत की गई थी वो एक ना एक दिन रंग लाएगी, और तहे दिल से मैं बहुत खुश हूं इस चीज को देखते हुए, आज के दिन को देखते हुए कि जितनी भी टीम्स ने ग्राइंड किया था, नॉट ओनली स्काईलाइट्स गाइस आई विल बी बैक टू द सेम, कि जितनी भी टीम्स ने गेम नहीं थी जब ग्राइंड किया था वो सब अच्छा कर रही है। 8-bit की टीम को आप देखो, आई थिंक इवन यू गाइज वोंट डिनाई विद द फैक्ट कि 8-bit ने भी ओमेगा ने भी काफी ज्यादा यू नो ग्राइंड बैन के टाइम पर भी करा था, आप लोगों ने भी पूरे तरीके से अपनी डेडिकेशन दिखाई थी जिसका फल कहीं ना कहीं यहां पर दिख रहा है। सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट, कूडोस टू स्काईलाइट्स। बट कमिंग बैक टू द फन सेगमेंट, सौम्यराज से हम यहां पर पहला सवाल पूछना चाहेंगे, भाई फेवरेट मैप कौन सा है सौम्यराज का? मीरामार एग्जैक्टली, बिकॉज स्काईलाइट्स का जब भी हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो मेरी नजर में भैया सबसे टैक्टिकल टीम जो मुझे लगता है वो यही लगती है मीरामार के मैप में। अगर इस टीम से एक प्लेयर अभी हटाने की पावर मिल जाए और कोई एक प्लेयर ऐड करना हो तो वो कौन होने वाला है? आईजीएल का एक अलग प्रभाव रहेगा ना इस क्वेश्चन पर भाई। हटाना तो नहीं है बट अगर नहीं हटाना ही है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है किसी एक का। आएगा कौन रौनक फिर? ओ सौम्यराज ओके सर, स्काउट को बिल्कुल बेसब्री से इंतजार हो रहा है यहाँ पर स्काईलाइट्स का। कुछ और क्वेश्चंस गेम्स हो इफ यू वांट आस्क समथिंग? हाँ बिल्कुल, मैं पूछना चाहूंगा रिगार्डिंग अंडरडॉग परफॉर्मेंस जो आपने देखा सेमीफाइनल्स में, आपने देखा उनके अगेंस्ट आपने खेला भी होगा, 1-on-1 परफॉर्म आपके साथ हुआ भी होगी फाइट्स, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बोलना चाहेंगे, मतलब उनके रिगार्डिंग जस्ट लाइक उनको कोई मैसेज भी देना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं जो अंडरडॉग एज अ कॉम्पिटिटिव आना चाहते हैं स्पोर्ट्स में भी। तो अभी स्काई स्पोर्ट्स से कितना बड़ा टूर्नामेंट हुआ उसको आप देख के सीख सकते हो, क्योंकि सबका मेन गोल तो बीजीआई सभी के लिए है जी। तो ये देख के आप सीखो, सारा स्ट्रेटजी रीड करो, टॉप स्पीड करो कि अगर आपका क्लास हुआ तो उसको कैसे अवॉइड करेंगे, कि पहला ही जोन में क्योंकि डिसाइडेड टू मैच होंगे
और अगर आप ड्रॉप कैश पहले कर ले तो ये अच्छी टीम है, अभी गॉड लाइक का ड्रॉप कैश भी तो भाई गॉड लाइक कैसी टीम है वो मार के निकलेगी, तो आपका भी गेम बर्बाद होगा और आपके ओके सो कहीं ना कहीं सौम्यराज आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, थोड़ा सा आप माइक के आगे आके अपने सेगमेंट्स लेंगे तो काफी ज्यादा हेल्प रहेगी ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए। बट हाँ कुछ और सवाल आपके लिए है रेडी, बिकॉज हाँ बाकी प्लेयर से ज्यादा हम बात आईजीएल से करना चाहेंगे बिकॉज आईजीएल बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैरी करता है मैच की परफॉर्मेंसेज में लेके, यहाँ तक की अप्रोच हमें क्लियरली दिख रही है कि बाय हुक और बाय क्रुक आपको ये टूर्नामेंट में एक अच्छा स्पॉट चाहिए। बट वॉट इफ अगर आप पांचवें या छठे दिन के बाद टॉप थ्री में नहीं हो, तो क्या आपका एक ऐसा माइंडसेट रहेगा जो अब हमें यहां पर करना ही करना है? क्या ऑल इन अटैक एक ऐसा ऑप्शन है आपके पास जो एक प्लान बी की तरह हमारे सामने आएगा कि हम पीछे हैं और एक दिन में आखिरी छह मैचेस हैं, तब तक भी क्या आपको लगता है कि हमारी इस टीम में इतनी क्षमता है कि हम सीधा टॉप फोर से टॉप वन तक का आंकड़ा पूरा कर पाएंगे? हाँ, हम फिर देखेंगे कि जितना अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा है सारी चीज़ को यूटिलाइज करें क्योंकि नथिंग टू लूज है, हम जीतने के लिए खेल रहे हैं, तो फोर्थ फिफ्थ के लिए तो फिर खेल के फायदा नहीं है ना, यही अप्रोच है, मतलब फोर्थ फिफ्थ के लिए नहीं खेलना, खेलेंगे तो जीतने के लिए खेलेंगे, उसके बाद जो भी पोजीशन मिल जाए वो मेरिट पे रहेगी, बट एफर्ट जो रहेगा वो पूरा जीतने के लिए ही रहेगा स्काईलाइंस गेमिंग का। सौम्यराज के साथ थोड़ी सी मस्ती में यहाँ पर करना चाहूंगा, सो सौम्यराज आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर सेक्शन? ओके सो इज इट पुकार और गमला बॉय, यू गॉट टू चूज वन फ्रॉम दैट? पुकार। ओके सो लंबा पुराना नाता है भाई पुकार से। बेस्ट टीम की बात करना चाहेंगे यहाँ पर अभी के लिए, 8-bit और टीम एक्सो गॉडलाइक, ये खतरनाक था भाई। ओके सो इफ इट्स सो गॉडलाइक वर्सेस सोल, कौन सी टीम इसमें से आप चूज करना चाहेंगे? आपकी नजर में टफ कंपटीशन कौन है आपके हिसाब से? गॉडलाइक। एक्सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? बस यही था मेन मेक इट मोर रैपिड मैन, आई वांट टू यू नो, मुझे देखना सौम्यराज को थोड़ा सा परेशान होते हुए, काफी चिल बैठा है। आई स्मेल कंट्रोवर्सी ओवर हियर, बहुत स्मार्ट है तू। आई एम नॉट हियर टू क्रिएट कॉन्ट्रोवर्सीज दो, बट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा गाइस, स्काईलाइट्स की टीम यहाँ पर आई है गाइस, इसी तरीके से परफॉर्म करते रहो और यू नो आपने जितनी मेहनत करी थी वो दिख रही है, वो फल ला रही है, बट मजा तब आएगा यार जब आप टूर्नामेंट जीतोगे, बिकॉज थ्री इडियट्स की मूवी का डायलॉग सभी ने सुना होगा कि नोबडी रिमेंबर्स द वन हु कम सेकंड, सो जीतना ही है, जीतने के लिए ही खेलना है और हम चाहेंगे कि स्काईलाइट्स की टीम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए हमें देखने को मिले और इसी तरीके से ये सारे प्लेयर्स अपने ग्राइंड के चलते आपको एंटरटेन करते रहेंगे। गाइस थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग स्काईलाइट्स गेमिंग, कूडोस टू यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।